ये फोन हमारा कौन सा है, 4X। तो इसको अब हम क्या करेंगे, डिजिटल मोड पे लाएंगे, फ्लैशिंग करेंगे। फ्लैशिंग करेंगे इसकी, ठीक है। तो इसके लिए हमें कौन सा टूल चाहिए, MI का 2016 वाला। इसको हम ओपन करते हैं, उसके बाद हमें फाइल सिलेक्ट सिलेक्ट करनी करना है, है। जहाँ पे आपने फाइल सेव कर रखी हो, तो आपको ये पूरा फोल्डर ही सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस फोन को कनेक्ट करना है, किस पे कनेक्ट करेंगे, ईडल मोड पे। और ईडल मोड अगर आपको पता नहीं चल रहा कहाँ पे लगानी है आपको, तो गूगल पे सर्च कर गूगल लेंगे। मैप, ठीक है। तो इसको लगा के दिखाओ। हो गई सर कनेक्ट। छोड़ दो छोड़ दो, जब अब यहाँ पे क्वालकॉम मोड आ चुका है, ठीक है। यस ठीक है। और टूल पे लाइए, इसको नीचे कर दो। तो यहाँ पे फाइल सिलेक्ट हो गई है हमारी, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे रिफ्रेश करेंगे, ताकि हमारा फोन इसमें शो कर जाए। ठीक है। पोर्ट शो कर गया, और नीचे अगर यहाँ पे किसी भी चीज पे अगर इच्छा है, ये सेव यूजर डाटा पे हो या क्लीन ऑल लॉक पे हो, तो आपको कहाँ पे करना है, क्लीन ऑल पे करना है। क्लीन ऑल पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस प्लस स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट हो गई है सर। अब ये फ्लैशिंग हो रही है, और फोन हमारा कौन से मोड पे कनेक्ट है, ईडल मोड पे। ईडल मोड पे फोन कनेक्ट है, ठीक है। यस। 2 दिन की छुट्टी पे चला गया। कुछ देर और लगेगी सर। नहीं हो गया, यहाँ से फ्लैशिंग रोक दे सर। 205 सेकंड रुकेगा नहीं वहां से। दस जाएगा यार, रोक लगा रहे रुकने के लिए, उसका सब जुगाड़ वहां है यार। अभी आधा घंटा और लेगा। नहीं, ये 2 मिनट में हो जाएगा अभी। हाँ, नहीं, ऑन होने में टाइम सेकंड लेगा होगा। MI का फोन ऐसे नौत नहीं आई। देखिए फ्लैशिंग हो चुकी है, ठीक है। अभी यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, इसको बाहर निकाले। अगर आप बिना बैटरी के कनेक्टर को हटाए हुए अगर ऑन करोगे, तो कम से कम 20 से 30 सेकंड आपको पावर बटन दबाना पड़ेगा। अगर हम बैटरी कनेक्टर को रिमूव करके दोबारा लगाते हैं, तो अब ये तुरंत ऑन हो जाएगा। ओनली 5 सेकेंड ये वाइब्रेट कर गया। अब ये टाइम लेगा काफ़ी ऑन होने में। तो वीडियो यहीं ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है MI का फ़ोन बहुत टाइम लेता है। अगर आपके वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। और घंटा बजे